इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी बज रहा है एंड मेरे को थोड़ा सा रेडी होना बाकी है। बाय द वे, अभी हम लोग निकल रहे बाहर एंड हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। चलो चलो जल्दी, बिरयानी खाने के लिए भी मेकअप। उफ, कितना बड़ा दुश्मनी है इनका। रूम में आती एसी बंद कर दी। हवा मस्त चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा है, इतना ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। तब से सोच रहे थे कि हम लोग जा रहे खिदरपुर फाइव स्टार मार्केट, सोच रहे थे कि टुक टक सामान वामान लेंगे। अचानक से पीछे से सरप्राइज खोल दी मम्मी, बिकॉज मम्मी हमेशा सरप्राइज खोल देती है। अब बोल रही है कि हम लोग जा रहे श्रीरामपुर कुंड नगर, लेकिन मेरे को मालूम नहीं श्रीरामपुर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो भी बोल लो, एक चीज बोलना पड़ेगा, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे खड़ा होकर पूछा खाने लग जाता है ये लोग। बाय द वे, ये है राजेश्वरी मंदिर कुंड नगर। अभी हम लोग आए हुए हैं श्रीरामपुर मार्केट में एंड यार तो पूरा का पूरा ही एक अलग ही हब जैसा लग रहा है। पहली बार आए हैं यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे तो स्टूडेंट लेवल का भीड़ है पूरा, रास्ता में चलने की जगह नहीं है। टुक टाक शॉपिंग करने के बाद अभी गाड़ी आया, तब श्रीरामपुर का मार्केट इतना गर्मी में घूम के कैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत ही हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ, कुछ उतना कुछ खास था भी नहीं। यहाँ का मार्केट अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं, अपना टेस्ट के हिसाब से नहीं है। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं मुखर्जीज, मेरे को ही नहीं पता था कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। फाइनली अभी डिनर करने जा रहे हैं मुखर्जीज पे एंड आ गए अपने मुखर्जीज पे। तो मुखर्जी जाते ही हम लोगों ने सबसे पहले डाइनिंग हॉल में बैठ के मेनू मंगवा लिया एंड मेनू में भाई कितना सारा ऑप्शंस था। एंड वैसे ये 48 इयर्स से ये मुखर्जी कैटरर्स सर्व कर रहे हैं। बाय द वे, यहाँ पे मेनू में आप रेट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मटन बिरयानी 290 का है, चिकन बिरयानी 240 का था एंड बाद बाकी आइटम्स का भी आप रेट्स देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा आते हैं यहाँ का भेटकी फ्राई खाने के लिए, तो वो चीज़ आप लोग कभी मिस मत करिएगा। अगर आपका यहाँ का चक्कर लग रहा है तो जरूर से वो ट्राई करिएगा, बिकॉज मैंने देखा कि हर सबके प्लेट पे ही वो एक पर्टिकुलर आइटम था। एंड ये रहा हमारा भेटकी फ्राई एंड सर्विंग पोर्शन, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा और मैसिव चंक था वो एंड लिटरली अंदर में पूरा लोडेड था फिश। एंड ये जो फिश का फिले आप देख रहे हैं एकदम लोडेड है, तो खा करके तो भाई अलग ही मजा आया था। एंड बाद बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गिना चुना फ्रेंच फ्राइज दे दिए थे थोड़ा सा प्लेट को गार्निश करने के लिए। तो वो खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी मंगवा लिया था एंड ये मटन बिरयानी था, जो कि पर्सनली मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं किया, बिकॉज सबका एक अलग टेस्ट का चॉइस होता है, तो मेरे को बिरयानी थोड़ा फ्लेवरफुल चाहिए था। एंड यहाँ पे ये चिकन चाप हम लोगों ने मंगवाया था, तो चिकन चाप भी मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने चिकन मलाई कबाब मंगवा लिया था, जो कि एक्चुअल में है चिकन रेशमी कबाब ही जैसा, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा मलाई का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। जो मलाई कबाब है उसके बारे में अगर बात करें तो इसका भी टेस्ट मेरे को अच्छा लगा था, लेकिन जो ये रेट है उस रेट के हिसाब से मेरे को उतना वर्थ इट नहीं लगा था। तो यहाँ पे जो हम लोगों का बिल आया था वो था 2163 का एंड इसके साथ साथ हम लोगों को वो माउथ फ्रेशनर्स वगैरह दिया गया था। लेकिन बिरयानी के बारे में अगर बात करें तो आलू मेरे को कुछ ज़्यादा ही हार्ड लगा था एंड बिरयानी अच्छा था, मतलब श्रीरामपुर आके यहाँ पे खाना टोटली वर्थ इट इन लोग का अच्छा लगा, मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा। बच रहे सारे 10 एंड अभी चले घर की तरफ एंड अपने ठीक सामने में श्रीरामपुर का ये गेट है। सो कल रात घर आते थे तो काफ़ी लेट हो गया था, तो वीडियो कल रात एंड नहीं किए थे। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है एंड अभी आए जस्ट हेयर कट करवा के। बाय द वे, ये वीडियो को यहीं तक, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।